2, 3, 4 आपके पास जो लोग आते हैं इसमें वो जीवन नाड़ी के अंदर आपके पास कितने प्रश्न वो पूछ सकते हैं और उसके अलावा उसमें जो भी प्रश्न वो पूछते हैं आप उसका उत्तर भी देते हैं क्या उसके बाद उसमें कोई उपाय भी इसमें दिया है करने के लिए? और जितना हो सके वो तमिल में पढ़िए। ओम नमो नारायण। ये हमने ये मंत्र के उपचार किए, पहले ही सवाल का उत्तर देते वक्त ऋषि मुनि को चाहने वाले ने रोक दिया था उसका मैं पूरा कर रहा हूं। पहले बताया था कि इसमें ऋषि मुनि भी साथ है और इस पृथ्वी चलाने वाला शिव जी है, हमको शक्ति देने वाली पार्वती है उसके, और दूसरा भी भगवान कि कृष्ण भगवान भी इसमें संबंध रखते हैं। इस पृथ्वी को चलाने वाला उनके भी हाथ में है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनके भी हाथ है। इसके लिए सभी भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है और हर बार जब राम के रूप में विष्णु थे हर बार उनको संकट में आंजनेय ने उनको संकट दूर की, उनको साथ लेकर। इसीलिए मैं इस नाड़ी को नाम दिया गया आंजनेय नाड़ी। हर पृथ्वी में जितना भी मानव जाति में उनको रहने के लिए घर चाहिए, वास्तु चाहिए। इस वास्तु कैसा अपन ठीक तरह से सोच समझ करके उसको फैसला लेके मुझे ये लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है। जब इंसान ही है गलती तो हो जाती है, हर बार तो हर बार हर चीज देखने को नहीं मिलती है, देखा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं। उसके बाद भी कोई आके बोल देगा आपको कि ये वास्तु ठीक नहीं है तो फिर मन दुखता है। तो इसके लिए आपको इस वास्तु को न तोड़ते हुए आपको उसमें उपाय दी जाती है। इस उपाय से मेरा आशीर्वाद से, विश्व मुनियों का आशीर्वाद से, आपका जो कर्तव्य से श्रद्धा से जो उपाय करते हैं इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा।